रानी मर गई, तेरा मुंह काला हो जाएगा, नाक कट जाएगी। आसपास के गांव से भी लोग आने लग गए, गांव के पंचायत के लोग भी पहुंच गए, पूरे गांव में खबर लग गई कि नई नई बहू रानी ने घर में आकर अभी एक घूंट दूध भी नहीं पिया, एक घूंट चाय भी नहीं पी, पानी भी नहीं पिया, छठा सातवां दिन उपवास कर चला गया। आखिर शेर सिंह का थोड़ा सा वो अहंकार का दिल ठंडा पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा कि बहू को बुलाओ। बहू आई तो पापा ने, ससुर ने कहा कि बेटा जो तू कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है, तुम्हें इस तरह से जिद नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस तरह से हट नहीं करना चाहिए। पता है तुमने गांव में मेरी नाक कटा दी, पता है गांव की पंचायत में मेरी बातें होने लग गई, जिस गांव के लोगों में कभी भी लबों पर मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं होती थी, मेरे घर की ओर अंगुली उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, वे गांव के लोग मुझे समझाने आ गए हैं। बहू ने कहा पापा जी मैं आपके चरणों की पूजा करती हूं, आप मेरे ससुर हैं, पर मैं आपको इतना जरूर कहूंगी आपके गांव में इज्जत तो उसी दिन चली गई थी जिस दिन आपने सासू मां को घर से निकाल दिया था। आपकी इज्जत तो गांव में उसी दिन चली गई थी जिस दिन आपने सासू मां को घर से निकाल दिया था। आप अहंकार में डूबे हैं, आप अभिमान में डूबे हैं, आप अपने ईगो में जी रहे हैं, इसलिए आप नहीं जानते। आपको लगता है पूरा गांव आपको पूज रहा है। किसी भी घर में गांव में चले जाओ और जाकर पूछो कि वहां की बहू बेटियों की नजरों में और वहां के लोगों की नजरों में आपकी क्या इज्जत है। अगर आप जाके पूछो तो पता लगे कि लोग क्या चाहते हैं। तब सारे गांव के लोग आसपास खड़े थे और गांव वालों ने कहा शेर साहब, शेर सिंह जी, गांव के वो सबसे बड़ा जागीरदार था, उसे कहा कि अब अच्छा होगा, मम्मी जी को यानी सासू मां को, बहू की सासू मां को, बहन जी को घर पे बुला लो। आखिर शेर सिंह झुका और उसने कहा बहू जा, पीहर में है तेरी अब सासू मां और जाकर क्यों लेकर आ जा। बहू ने कहा पापा ऐसा नहीं होगा, घर से निकाला अगर आपने है तो लेने भी आप जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि घर से निकाला आपने था और लेने मैं जाऊं। नारी का भी अपना स्वाभिमान होता है, नारी की भी अपनी इज्जत होती है, नारी की भी अपनी सुरक्षा होती है और नारी का भी अपना आत्म स्वाभिमान होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर घर से धक्के देके आपने निकाला तो लेने मैं जाऊं। आखिर शेर सिंह को अपनी बहू के तर्क के सामने, भगवान करे सबके घर में ऐसी ही कोई बहू आए, पर आखिर शेर सिंह को अपने बहू के तर्क के सामने झुकना पड़ा। घोड़ों की बग्गी तैयार की गई, बहू रानी को साथ लेकर शेर सिंह अपने ससुराल गया। बहू रानी भीतर गई, जाकर सासू मां को धोक लगाई और लगाकर कहा कि मम्मी जी मैं आपके बेटे की बहू हूं, यानी बहू नहीं अब आपके घर में बेटी बनकर आई हूं, और मैं और पापा यानी शेर सिंह मेरे ससुर जी दोनों हम आपको लेने के लिए आए हैं। वो महिला सोच नहीं सकती थी, उसका इतना गुस्सैल पति, इतना हठी पति, इतना अभिमानी पति, इतना ईगो से भरा हुआ पति, क्या वो एक दिन लेने के लिए उसे यहां आएगा। तो साथ आए लोगों ने कहा ये सब तो तुम्हारी बहू रानी का कमाल है। शेर सिंह ने अपने ससुराल के लोगों से सॉरी कहा, अपनी पत्नी को बग्गी पर रथ पर बैठाया। घोड़ों की बग्गी में एक और सास बैठी थी, एक और बहू बैठी थी, इधर शेर सिंह बैठा था। सास बहू को लेकर, बहू सास को लेकर दोनों नगर की ओर आ रहे थे। नगर वासियों के लिए वो दिवाली से कम दिन नहीं था, क्योंकि ठीक 15 साल के बाद वो सास वापस अपने घर आ रही थी। लोगों ने घर के आगे आकर, घर के बाहर आकर उनको बधाया, और जैसे ही सासू मां के हाथ को पकड़कर बहू रानी घर के भीतर प्रवेश करने लगी तो पास में खड़ी हुई लड़कियां, युवतियां, महिलाएं गाने लगी, सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, अरे तोड़े से भी ना टूटे ये सास बहू की। विश्व बंधुत्व की भावना की शुरुआत अगर इंसान को कहीं से करनी है तो इसकी शुरुआत दुनिया में न तो किसी मंच से की जा सकती है, न किसी राजनीतिक दलों से की जा सकती है, न ही कोई विज्ञान भवन से की जा सकती है, न ही किसी देश की संसद से की जा सकती है। विश्व मैत्री, विश्व शांति, विश्व आनंद और विश्व प्रेम की अगर शुरुआत करनी है तो इंसान को सबसे पहले अपने ही घर और परिवार से करनी पड़ेगी। जरा सोचिए, जो दो भाई भाई घर में आपस में लड़ रहे हैं, क्या वो समाज में आकर कभी प्रेम कायम कर पाएंगे? जो दो समाज के लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्या वो दो समाजों में प्रेम कायम कर पाएंगे?
जो दो समाज आपस में लड़ रहे हैं क्या वो नगर में प्रेम कायम कर पाएंगे, और जो नगर नगर के लोग आपस में लड़ रहे हैं क्या वो पूरी दुनिया में प्रेम शांति आनंद को कायम कर पाएंगे। हर घर अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है, हर घर अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है। आपको पता है पृथ्वी ग्रह में क्या है, जरा बताएंगे पृथ्वी ग्रह में क्या क्या होता है। नंबर एक जल समुद्र है, नंबर दो भूमि पृथ्वी मिट्टी, नंबर तीन क्या क्या है बताओ तो। ये सारा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है, पांच तत्व कौन कौन से कौन बताएगा। सारा ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना है, पांच तत्व कौन कौन से। हां फरमाइए प्रभु जी। पानी समुद्र है, मिट्टी भूमि पृथ्वी ग्रह है, हैं आकाश और हवा और अग्नि, ये पंच तत्वों के सम्मिश्रण से पृथ्वी ग्रह चलता है। आपको पता है एक इंसान अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है, क्योंकि एक इंसान में ये पांचों तत्व होते हैं। एक इंसान अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है, क्योंकि एक इंसान में पांचों तत्व होते हैं। कोई भी इंसान आपस में कभी टूटा हुआ अलग थलग नहीं होता, पांचों आपस में जुड़े हैं, पांचों तत्व आपस में जुड़े हैं। पहला तत्व मैंने क्या कहा, पृथ्वी तत्व। ये देखो शरीर किससे बना है, मिट्टी से है। पहला तत्व मैंने क्या कहा, पृथ्वी तत्व। शरीर किससे बना है, मिट्टी से। नंबर दूसरा मैंने कहा जल तत्व, शरीर में खून है ये जल तत्व है। नंबर तीन मैंने कहा अग्नि तत्व, जो हमारे खाए हुए भोजन को पका रही अंदर, उसका नाम क्या है, अग्नि तत्व। नंबर चार मैंने कहा वायु तत्व, जो हम श्वास से जी रहे हैं। नंबर पांच मैंने कहा आकाश तत्व, ये जो मेरे हाथ हिल रहे हैं, जबान चल रही है, आंख हिल रही है, ये सब आकाश तत्व का परिणाम है। एक मनुष्य अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड की इकाई है, इसलिए अगर एक मनुष्य सुधरता है तो मानकर चलो पूरा पृथ्वी ग्रह सुधरता है। अगर एक मनुष्य सुधरता है तो मानकर चलिए पूरा पृथ्वी ग्रह सुधरता है। अगर एक इंसान सुधरता है तो मानकर चलिए पूरा पृथ्वी ग्रह सुधरता है। इंसान सुधरे परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरे समाज सुधरेगा, समाज सुधरे नगर सुधरेगा, नगर सुधरे राज्य सुधरेगा, राज्य सुधरे देश सुधरेंगे, और देश सुधरेंगे पूरा पृथ्वी ग्रह ही अपने आप में सुधर जाएगा। देश अगर सुधरेगा तो पूरा पृथ्वी ग्रह सुधर जाएगा। पहली शुरुआत इंसान से हो। हम खुद अपने आप में टटोल लें, हमारी स्थिति क्या है, क्या हम इस बात को कहने के काबिल भी हैं कि विश्व प्रेम स्थापित किया जाए। जरा देखो हम, क्या हम पड़ोसी से भी पूरा प्रेम करते हैं। हम जरा सोचें कि हम अपनी बहू रानी से भी पूरा प्रेम करते हैं। हम जरा सोचें कि जो लोग हम साथ साथ रह रहे हैं, एक घर में एक परिवार में एक कुटुंबी बन जनकर रह रहे हैं, भाई भाई क्या आपस में विश्वास में जी रहे हैं। देरानी जेठानी क्या आपस में विश्वास में जी रही है। मां बेटी क्या आपस में विश्वास में जी रहे हैं। बाप बेटा भाई भाई पिता पुत्र सास बहू देरानी जेठानी नरन भाभी, क्या ये सब रिश्तों में भी वो मिठास वो विश्वास वो प्रेम क्या हम अपने अंतर जीवन में पाले हुए हैं। एक परिवार परिवार नहीं होता मेरे भाई, एक परिवार अपने आप में पूरी दुनिया होता है, एक परिवार अपने आप में पूरा विश्व होता है, एक परिवार अपने आप में पूरा समाज होता है। और अगर एक परिवार में प्रेम और शांति है, एक परिवार में त्याग और सौहार्द है, तो मेरे भाई याद रखना त्याग की बात तो हुई थी केवल रामायण के राम के युग में, पर आज भी वो त्याग की बातें हमारे जीवन में देखने को मिल जाएगी। हम आज भी उन बातों को याद करते हैं, पूरा पृथ्वी ग्रह उनसे जुड़ा हुआ है। आओ हम सबसे पहले अपने ही घर से अपने ही परिवार से अपनी ही जिंदगी से अपने ही रिश्तों में से जो हम प्रेम और माधुर्य का मिठास घोल सकते हैं, विश्व शांति की बात करने वाले अपने जीवन में शांति और अमन चैन को कायम कर सकते हैं, हम वहीं से शुरुआत करते हैं अपनी जिंदगी की। हर इंसान का अपना एक परिवार होता है, जानवरों का भी परिवार होता है, इंसानों का भी परिवार होता है, और हर परिवार में इंसान चाहता है मेरा परिवार बड़ा खुशहाल रहे। कोई महंगे फर्नीचर लगाता है, कोई ऊंचे मकान बनाता है, कोई अच्छी सी मकानों में व्यवस्थाएं करता है, लेकिन याद रखना महंगे फर्नीचरों से महंगे मकानों से कभी परिवार का निर्माण नहीं होता। तीन शब्द हैं, एक है मकान, क्या नाम है मकान, दूसरा है घर, और तीसरा है परिवार। इन तीनों में थोड़ा सा फर्क है। पहला क्या कहा मैंने, है मकान, दूसरा
घर, तीसरा परिवार। मकान उसे कहते हैं जहां पर आदमी खुद रहता है और उसकी बीबी बच्चे रहते हैं, उसको मकान कहते हैं। घर किसको कहते हैं? जहां पर उसके माता पिता भी सम्मान के साथ रह सकते हैं, उसको घर कहते हैं। और हां, परिवार किसे कहते हैं? जहां पर अपने भाई बंधुओं को भी, जहां पर अपनी बहनों और भाइयों को भी सम्मान और प्रेम पूर्वक रखने की जगह हो, उस घर को क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। आओ अपने घर में प्रेम के दीप जलाएं, आओ अपने घर में त्याग के, करुणा की, भाईचारे की, आत्मीयता की ईंटों से अपने घर का निर्माण करें। और हमारा घर जो मकान होता जा रहा है, उस घर को परिवार बनाने की कोशिश करें। हमारा घर जो धीरे धीरे मकान होता जा रहा है, मैं भला, मेरी बीबी बच्चे भले, उस घर को थोड़ा सा परिवार बनाने की कोशिश करें। और अपने परिवार में प्रेम को स्थापित करने के लिए पहला काम कीजिए, जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं अपनी जिंदगी में पूरी तरह से बटोरने की कोशिश कीजिए। उनकी दुआएं और उनके आशीर्वाद बटोरने की कोशिश कीजिए। मैं एक महानगर में था, चलिए मैं कुछ व्यथाएं बताता हूं। मैं एक महानगर में था और पर्यूषण के बाद एक बूढ़ी महिला हमारे पास आई, आकर कहा, बाबजी आज मेरे 8 उपवास है, कल मेरे पारणा है, मेरी इच्छा है कि कल आप पारणे के लिए मेरे घर पर पधारें, पास में ही मकान है, 7 मंजिला मेरा मकान है, महाराज जी आप जरा आने की कृपा कीजिएगा। बूढ़ी माँ जी थी, कोई यहां तो इतनी कोई बूढ़ी माँ जी नजर, ये जो कुर्सी पर बैठे ना माता जी, इतनी बूढ़ी माँ जी, कोई 80 साल की, 85 साल की बूढ़ी माता जी मुझसे आके कहा कि बाबजी 28 का पारण है। अरे मैंने कहा माँ जी आपने इस बुढ़ापे में 8 उपवास किए, बहुत साधुवाद की बात है। कहने लगी, बाबजी मेरे घर पे पारने के लिए आए। मैंने कहा अच्छा माता जी, आ जाऊंगा, किसी को भी भेज देना। अगले दिन आश्चर्य की बात,